अध्यक्ष राजेश बिष्ट के निर्देशानुसार आप कार्यकर्ताओं द्वारा चंपावत जिले के पाटी विकास खंड में देवीधुरा बाजार में मुख्य चौराहे पर केंद्र व प्रदेश सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, उसने राज्य के कई नौजवानों को सड़क पर लाकर रखा है। सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता में है, फिर चाहे वो UPSC भर्ती घोटाला मामला हो या रिक्त पदों पर बैकडोर से हो रही भर्तियों का मामला हो। जहां एक तरफ बहन अंकिता हत्याकांड ने पूरे प्रदेश की जनता को झकझोरने का कार्य किया, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से न्यायालय में लड़ी जा रही बहन स्वर्गीय किरण नेगी के बलात्कार को रिहा करने के आदेश से पूरे देश आक्रोश में है। आगे बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड की मांग उत्तराखंड के हितों व उसके कल्याण हेतु हुई। कई उत्तराखंडी भाई बहनों ने अपनी शहादत दी थी तथा कई लोग घायल हुए थे, किंतु भ्रष्ट सिस्टम नेता वो लचरकारी व्यवस्था ने उत्तराखंड के कई सपनों को विलुप्ति के कागार पर पहुंचा दिया। युवा बेरोजगार है तथा प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। बिष्ट ने कहा, इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ध्यान उत्तराखंड में घटित हो रही घटनाओं की तरफ केंद्रित कर प्रभु से इनकी बुद्धि को ठीक करने का आह्वान करते हैं। इसी यज्ञ में पूर्व ग्राम प्रधान रतन सिंह राहुल सती, प्रकाश जोशी, चंदन बिष्ट, भास्कर बिष्ट, मोहित लंगड़िया, तरुण बिष्ट, धीरज बिष्ट व तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम लोग एक स्थापित प्रदेश के सम्मानित नाम, प्रदेश के सभी सम्मानित लोगों को, निवासियों को, देश विदेश में रहने वाले सम्मानित नागरिकों, मेरी ओर से स्थापना दिवस की अनेकों बधाई व शुभकामनाएं। साथ ही मन के अंदर एक टीस भी है कि आज ये सपनों का उत्तराखंड, ये बलिदान का उत्तराखंड आज भी सबसे पीछे चल रहा है। बहुत दुख होता है जब प्रदेश के अंदर बहन अंकिता भंडारी जैसे कांड होते हैं। बहुत पीड़ा होती है जब हमारे क्षेत्र का युवा प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में नौकरियों के लिए भटकता है। बहुत पीड़ा होती है जब हमारे प्रदेश के बच्चे को अपने ही क्षेत्र में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। इसके साथ दुख इस बात का भी होता है कि हमारे प्रदेश में इलाज की, स्वास्थ्य की, अस्पतालों की दुर्दशा है। इन 22 वर्षों के अंदर मैं ये समझता हूँ एक नवजात शिशु भी बालिक अवस्था में आ जाता है, लेकिन हमारा प्रदेश अभी भी सही मायने में बहुत पीछे है। हमें मिलकर अपनी देवभूमि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें आप